मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। पुरुषोत्तम शर्मा संचालक लोक अभियोजन के पद पर तैनात थे। पुरुषोत्तम शर्मा पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके किसी अन्य महिला से संबंध है। पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसके बाद इस मामले में कार्रवाई भी हुई है, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर, पत्नी को पीटते हुए पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत बेटे ने वीडियो भेजकर गृह मंत्री डीजीपी से की थी और मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को अब शिकायत के बाद इस वीडियो वायरल होने के बाद पद से हटा दिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, इस तस्वीर को देखकर ही आपको अंदाजा लगाया आप लगा सकते हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई है, क्योंकि अपनी पत्नी को इस बुरी तरीके से पीटने का उन पर आरोप है। बेटे ने ये वीडियो बनाया जिसके बाद शिकायत की, मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को पद से हटा दिया गया। पूरी खबर आप समझिए, पुरुषोत्तम शर्मा को संचालक लोक अभियोजन के पद से हटाया गया जिस पद पर वो तैनात थे। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पर पत्नी को पीटने का आरोप है। पत्नी को पीटते हुए पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो भी लगातार आप देख रहे हैं। बेटे ने इस वीडियो को बनाकर भेजा गृह मंत्री और डीजीपी से, इसे लेकर पुरुषोत्तम शर्मा की शिकायत की, खुद बेटे ने शिकायत की स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की, जिस पर अन्य महिला से संबंध का आरोप है। तो ये इन दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, जिसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी में बहस हुई, नौबत मारपीट तक आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। सवाल है कि क्या इस तरह से देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी जब पुलिस के अफसर अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करेंगे, तो इनसे समाज की आम महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वर्दी पहनने से पहले जो अपराध को लगाम लगाने की, उस पर लगाम कसने की कसम खाए, वही अगर इस तरह की हरकत करे तो फिर क्या कहा जाए, और ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हैं। इस खबर पर बातचीत के लिए, सीधे अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, हालांकि अब कार्रवाई हो गई है, पद से हटा दिया गया है डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को, क्या और अपडेट है हमारे पास इसे लेकर? देखिए, राज्य महिला आयोग ने इस पूरे मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया और कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जिन पर जिम्मा रहता है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, घर में किसी भी तरीके से उन पर मारपीट ना हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो, जब वो ही रक्षक ही भक्षक बन जाए तो प्रदेश में क्या हालात होंगे। देखिए, पुरुषोत्तम शर्मा एक बड़े अधिकारी हैं और देखिए, मैं उनके आवास के बाहर मौजूद हूँ, यही उनका आवास है, यहीं का वो वीडियो बताया जा रहा है जहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। उनकी पत्नी का नाम साफ तौर पर देखा जा सकता है, बेटे का नाम पार्थ गौतम शर्मा है जो IRS हैं, और पुरुषोत्तम शर्मा इसी मकान में, इसी आवास में अपनी पत्नी को बेरहमी से मारते हुए उस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। देखिए, एक जिम्मेदार अधिकारी जब इस तरीके से मारेगा और मारपीट करेगा तो प्रदेश भर में क्या हालात होगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, इन पर जिम्मा होता है प्रदेश भर की व्यवस्था संभालने का, और ये रक्षक यदि इस तरीके से करतूत करेंगे तो आम जनता में और आम लोगों में प्रदेश भर में क्या मैसेज जाएगा। देखिए, आखिर जिम्मेदारी है अपराध पर लगाम लगाने की, महिलाओं को सुरक्षित रखने की, अगर वही इस तरह की हरकत करें, ऐसी हिमाकत, ऐसी जरूरत करें तो फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों ना हो। आप रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी प्रमोद, लेकिन वीडियो सबूत आप देख रहे हैं और खुद बेटे ने ये वीडियो सबूत सौंपा और उसके बाद ये कार्रवाई हुई, तो वीडियो सबूत सामने आने के बाद भी स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के तेवर नहीं बदले। गलती मानने के बजाय पुरुषोत्तम शर्मा का कहना है कि ये पारिवारिक मामला है, कोई क्राइम नहीं है, इसे पीटना नहीं कहते हैं। क्या कह रहे हैं आप जरा खुद सुनिए। ये क्राइम नहीं है, एक पारिवारिक मामला है। वीडियो में दिख रहे हैं आप पीटते हुए, झूमा झटकी होती है, पीटना नहीं होता है। झूमा झटकी कई बार हो जाती है लेकिन पीटना नहीं होता है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने सीनियर IPS अधिकारी, मैंने 34 साल बड़े पदों पे आप रहे हैं, सुनिए, मैंने आना क्या मैसेज जाएगा? दुर्भाग्य ना, मैंने कहा मेरे परिवार का ये मामला है, दुर्भाग्य मेरा और मैं इसको सहन कर रहा हूँ।
आपने सुना। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कहा है कि वीडियो को उन्होंने देख लिया है, अधिकारियों से बात करने के बाद वो कोई जवाब देंगे इस पर। हालांकि उनका ये बयान आने के बाद खबर आई कि पुरुषोत्तम शर्मा को पद से हटा दिया गया। देखा और पढ़ा मैंने भी है, कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूँ, कुछ शिकायत अगर लिखित में आती है तो बताऊँ। बिकॉज सर वो एक आईपीएस ऑफिसर और आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं आपके डिपार्टमेंट में, करेंगे रिपोर्ट तो देखें। नहीं सर, आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे क्या इसकी? मेरे पास में कोई शिकायत आएगी तो जरूर लेंगे। और राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता शर्मा ने कहा है कि इस तरह की घटना महिला आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। अफसर की पत्नी यदि शिकायत करती है तो महिला आयोग संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेगा। देखिए, ये घरेलू हिंसा का मामला है और इस तरह की हिंसा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि उनकी पत्नी की शिकायत हमारे पास आती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और यदि शिकायत नहीं आती है तो हम स्वतः संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। महिला आयोग जो कह रहे हैं कि अगर शिकायत करती है उनकी पत्नी तो वो इसमें अपने तरीके से आगे कार्रवाई करेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा क्या कह रहे हैं। यूपी लेवल के जब तक हर चीज का मैं समझता हूँ कि तथ्य सामने नहीं आया, और उनकी पत्नी की और उनकी खुद की स्टेटमेंट नहीं हो जाए जब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट तो कोई जानकारी मिली नहीं, इधर उधर से ही जानकारी। और अब देखिए, आप चूंकि ये घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ मामला, पुरुषोत्तम भले ही इसको लेकर कह रहे हो कि ये आपसी मामला है, पारिवारिक मामला है, लेकिन इसे घरेलू हिंसा ही कहा जाता है। देश भर के आंकड़े आप कुछ देखिए, 2018 के आंकड़े 579 मामले थे जो घरेलू हिंसा के सामने आए, उसके बाद 2017 में 616, ये संख्या उन मामलों की जो घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई थी, उस अपराध से जुड़ी हुई थी। 2016 में ये संख्या 437 थी, 437 मामले सामने आए थे घरेलू हिंसा के 2016 में। उसके पहले 2015 में 461 घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले देश भर में सामने आए थे। 2014 में ये जो आंकड़े हैं वो 426, और सारे जो हम ये इस वक्त आपको आंकड़े दिखा रहे हैं वो एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले बताते हैं कि कैसे, भले ही खुद डीजी इस बात को कह रहे हो, पुरुषोत्तम सिंह जिन्हें आप सुन रहे थे कि ये घरेलू हिंसा के मामले नहीं है, लेकिन ऐसी हिंसा से जुड़े हुए मामले सामने लगातार आ रहे हैं। प्रमोद, हम बात कर रहे थे, हम वो बयान सुनवा रहे थे खुनून का, जिन्हें अब पद से हटा दिया गया, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार किया, वो तो कह रहे हैं कि ये तो अपराध ही नहीं है, लेकिन उनके बेटे इस बात की शिकायत करते हैं, उसके बेटे खुद इस बात को लेकर इस वीडियो सबूत के साथ शिकायत दर्ज करवाते हैं। इसका मतलब तो ये कि पहले भी इस तरह की कोई हरकत हुई होगी, क्योंकि उनकी नजर में तो ये अपराध ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर कोई ऐसे ही इतना बड़ा कदम अपने पति के खिलाफ नहीं उठा सकता शिकायत का। कोई बेटा अपने पति के खिलाफ इस तरीके का कदम नहीं उठा सकता था। कोई तो वजह रही होगी कि उन्हें इस स्टेप तक पहुंचना पड़ा। और देखिए, कोई छोटी बात पर कोई इस तरीके से मारा नहीं करते, कोई बड़ा बवाल साफ तौर पर समझा जा सकता है। क्योंकि देखिए, दूसरा जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक घर में पुरुषोत्तम शर्मा जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, उनकी पत्नी वहाँ पर पहुँच जाती हैं, उसके बाद देखिए उस वीडियो में वहां से भागते हुए नजर आते हैं पुरुषोत्तम शर्मा, और घर आकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। देखिए, एक कहावत है, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। साफ तौर पर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं, उनकी पत्नी लगातार उन्हें टॉर्चर कर रही है, उन्हें जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी करती है और उनकी जासूसी कर रही है। देखिए, तो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही है, तस्वीरों में मारपीट करते एक अधिकारी नजर आ रहा है, जिस पर जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार अधिकारी वो इस तरीके से मारपीट करेगा अपराध करने के बाद, अपनी पत्नी के परिवार की तरफ से शिकायत दर्ज होने के बाद भी वो इसे मानने को तैयार नहीं, और कह रहे हैं ये तो पारिवारिक मामला है। इस तरह की छीना झपटी खींचतान होती रहती है घर में, यानी कि इस तरह की चीजों को वो क्राइम के देखते ही नहीं है कि इस तरह का कोई अपराध उनसे हुआ है। लेकिन यहां पर अब ये अपराध के बाद किस तरह की कार्रवाई होगी, पहली कार्रवाई तो ये हुई है कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। लगातार हम आपको डिटेल देंगे। प्रमोद, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और जी न्यूज आपको यहां पर ये भी बता दे कि हम जो भी खबर आपको जी न्यूज पर दिखाते हैं वो प्रामाणिकता के सभी स्तर पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। यानी कि देखिए, हमारे रिपोर्टर मौके पर होते हैं, हम विशेषज्ञों के आधार पर ही आपको किसी भी खबर का विश्लेषण दिखाते हैं, तो इस खबर में भी, इस मामले में भी हमने जो भी जानकारी आपको दिखाई है वो पूरी तरीके से सही।
आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं अब, और उत्तर प्रदेश की खबर है ये, जहां पर आपने अपराधियों के देखिए बुलंद हौसलों की तस्वीरें तो कई बार देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक अलग तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि अब यूपी में अपराधियों में पुलिस का जो खौफ है वो किस कदर बढ़ा हुआ है। योगी सरकार के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ जो मुहिम चलाई उसका असर अब कुछ इस तरह दिख रहा है। ये तस्वीरें यूपी के संभल की है, जहां पर पुलिस की कार्रवाई के डर से एक अपराधी गले में माफीनामा टांगकर खुद थाने पहुंच गया और पुलिस से रहम की गुहार लगाने लगा। ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, कभी अपराध ना करने की कसमें भी खाता है, यहां तक कि पुलिस अधिकारी के पैरों में गिरकर अपने छोटे बच्चों की दुहाई देता है ताकि वो पुलिस की कार्रवाई से बच सके। खुद को बेचारा बता रहा ये शख्स गौकशी के मामले में वांछित अपराधी है और 15,000 का इनामी भी। तो तस्वीरों को देखकर आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि यूपी में अब योगी सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन का खौफ कितना है, इतना कि वो पुलिस की कार्रवाई के डर से खुद ही थाने खींचे चले आ रहे हैं। पुत्र अमीन निवासी मंसूर माफी थाना नखासा क्षेत्र में आकर के आत्मसमर्पण किया है। ये 15,000 रुपये का इनामी बदमाश और गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था और इसने स्वयं आत्मसमर्पण किया है। इसको पुलिस गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।